नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनुवाणी 1920 में। और रोज़ की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आप एक साथ बहुत सारी कन्याओं को देख लेते हैं तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, चाहे आप बहुत सारी कन्याओं को कहीं पर भोज करते हुए देख रहे हों, या बहुत सारी कन्याओं को कहीं पर खेलते हुए देख रहे हों, या बहुत सारी कन्याओं को आप जो है झूला देख झूलते हुए देख रहे हैं, या कहीं पर मैदान में घूमते टहलते देख रहे हैं, या फिर अपने घर में देख रहे हैं, अन्यत्र देख रहे हैं, या किसी भी जगह पर देख रहे हैं, तो दोस्तों इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, यह सपना चाहे किसी स्त्री ने देखा हो या फिर किसी पुरुष ने देखा हो, हम सबके लिए ही सपने की व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, ये हमारे लिए सर्वदा पूजनीय रही हैं, इसलिए इस सपने का मतलब तो कुछ खास हो ही जाता है। लेकिन इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हमारे प्रश्न का जो मतलब बताया जाता है, मेरे जीवन में वो घटना घटित क्यों नहीं होती है। देखिए दोस्तों, वास्तव में होता क्या है कि यदि किसी भी सपने का फल हमको शीघ्र मिल जाता है तब तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, वहीं पर यदि किसी भी सपने का फल हमको विलंब से मिलता है तो हम समझ उसको महसूस नहीं कर पाते और समझ लेते हैं कि वो सपना झूठा चला गया। जबकि होता क्या है मित्रों, यदि रात के किस पहर में आप सपने को देख रहे हैं, जी चीज़ आपको ध्यान में रहे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सपना आपको कब फल दे रहा है। क्योंकि मित्रों, यदि आप रात के प्रथम पहर में किसी सपने को देख रहे हैं, यानी कि 12 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं, तो इस सपने को फलित होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है। यहीं पर यदि आप मित्रों 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देख रहे हैं तो ये सपना जो होता है 4 से 6 महीने में अपना फल दे देता है। और यदि आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4:15 बजे के आसपास कोई सपना देखते हैं तो ये सपना 1 से 1.5 महीने में अपना फल दे देता है। और यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से जस्ट पहले कोई सपना देख रहे हैं तो ये सपना जो है 24 से 48 घंटे में फलित हो जाता है, फिर वो चाहे शुभ हो या फिर अशुभ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि सपने में यदि आपने बहुत सारी कन्याओं को देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि यदि आपने सपने में ढेर सारी कन्याओं को देख लिया है तो यह सपना देखना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक स्वप्न है। दोस्तों, सपने में ढेर सारी कन्याओं को देखना कोई अशुभ स्वप्न नहीं होता है, अतः इस सपने को देखने के पश्चात कोई नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि यदि आप सपने में ढेर सारी कन्याओं को देख रहे हैं तो यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो है वास होने वाला है, यानी कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, आपके घर में सुख एवं समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है, आपको अचानक कहीं से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, यदि आपका कहीं पर पैसा कोई फंसा हुआ था तो पैसा भी शीघ्र आपको मिल जाएगा, और यदि आपका कोई काम अभी तक बन नहीं पा रहा था, उसमें अड़चने आ रही थी, बनते बनते रुक जा रहा था, तो इस सपने को देखने के पश्चात वो काम भी आपका सफल होगा और आप अपने हर एक कार्य में सफल होंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह सपना आपके घर में आने वाली खुशियों सुख समृद्धि के साथ साथ धन आगमन का भी प्रतीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।